हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि यार कस्टमाइजेशन वाले जो होते हैं उनके बारे में थोड़ी वीडियोस दें, जो मॉडिफाई करते हैं सुपरबाइक्स को, या हम एसेसरीज़ कहाँ से लें, जैसे सुपरबाइक्स का हमें एग्जॉस्ट चेंज कराना है या हमें कोई सर्विस करानी है, तो उस रिलेशन में हम कहाँ जाएँ। तो यूजुअली काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सो मैंने इस चीज़ के लिए अभिषेक आर्या को अप्रोच करा। ये रहते मतलब इनकी जो शॉप है वो है पूसा इंस्टीट्यूट के बिल्कुल सामने, टॉप रेसिंग स्टोर के नाम से इनका शॉप है यहाँ पे। बेसिकली ही इज अ ऑलराउंडर, आपको यहाँ पे हेलमेट से लेके, ब्रेक पैड से लेके, सर्विसिंग से लेके, बॉडी किट से लेके, इवन हर चीज़ जो भी आपकी सुपर बाइक की नीड होगी, इवन जैकेट्स वगैरह जो हैं वो भी अभिषेक आर्या डील करते हैं। सो इट्स अ वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीबडी, जो भी सुपर बाइक का सामान लेना चाहते हैं या सर्विस कराना चाहते हैं या कुछ भी उस रिलेशन में जाना चाहते हैं। सो गाइज, अभिषेक आर्य हैं हमारे साथ। अभिषेक आर्य को मैं अभी हैंड ओवर करता हूँ, फिर ये आपको एक एक करके सारा का सारा जितना भी सामान है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे एग्जॉस्ट हैं, इधर हमारे पास फुट बोर्ड्स पड़े हैं, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीछे भी टेल गन एग्जॉस्ट पड़ा है या टैंक पैड्स वगैरह पड़े हैं या और भी सामान है, तो वो एक एक करके अभिषेक आर्य बताएंगे आपको कि क्या सामान उनके पास है और किस प्राइस के अंदर अवेलेबल है, जिससे आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाएगा कि अभिषेक किस रेट पे माल देते हैं और क्या क्या चीज़ें इनके पास होती हैं। सो हैंडिंग ओवर टू अभिषेक आर्य गाइस। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया विवेक ब्रदर ने कि क्या कहते हैं, हम लोग सुपर बाइक एसेसरीज और मॉडिफिकेशन में सारी चीज़ें रखते हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि एग्जॉस्ट हो गए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के, ऑस्टिन रेसिंग हो गया, एक्रापाविक हो गया, SC प्रोजेक्ट्स हो गया, ये जैसे कि आप CRT एडिशन SC प्रोजेक्ट आप देखेंगे ये भी आपको मिलेगा, यूनिवर्सल एग्जॉस्ट भी आपके पास रहते हैं, हम लोग एग्जॉस्ट में भी स्पेशलिस्ट हैं, आप कोई भी बाइक लेके आ सकते हैं हमारे पास जिसमें कि हम एग्जॉस्ट वगैरह लगाते हैं। बाकी हमारे पास हायाबूसा की काफ़ी सारी एसेसरीज़ हैं, जैसे कि ये टैंक कवर हो गया, ये डिस्क ऑयल कैप हो गई, टैंक पैड्स हो गए हमारे पास, टैंक पैड्स में भी हम मोटोग्राफिक सबसे वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड है मोटोग्राफिक, वो हम लोग क्या कहते हैं यूज़ में लेके आते हैं, क्योंकि ये उखड़ता नहीं है, क्योंकि अब आजकल काफ़ी सारे फेक टैंक पैड्स भी आ रहे हैं तो वो अच्छे नहीं होते क्वालिटी। उसके बाद हमारे पास लिवर्स सारी बाइक्स के लिए हैं, ऑलमोस्ट जो भी लेटेस्ट बाइक्स हैं सुपर बाइक्स 600 CC एंड अबव सारे हमारे पास कलर्स भी हैं इसके अंदर अवेलेबल, और इसकी प्राइस रेंज अराउंड 2500 से 3000 तक होती है। उसके बाद आपको स्पूल्स मिल जाएंगे आपको पेडॉक स्टैंड के, उसके बाद आपको क्लच प्लेट्स अगर आपको चाहिए होती हैं अपनी बाइक के लिए OEM क्लच प्लेट्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं अभी आप ये इंट्रूडर की क्लच प्लेट है, तो आपको और भी क्लच प्लेट्स, ऑयल फिल्टर्स, एयर फिल्टर्स, ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। हम आपको दिखाता हूँ मैं आपको, हम डिस्क पैड्स वगैरह भी लेके आते हैं, जैसे कि ये गोल्ड फ्रेंड का डिस्क पैड है, और हमारे पास और भी ब्रांड है जैसे न्यू फ्रेंड हो गया, फिस पावर हो गया, वो डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग है इनके, 1800 से लेके 2250 तक है ये प्राइसिंग। और बाकी आपको एसेसरीज़ के अंदर आफ्टर मार्केट टेल लैम्प्स वगैरह दिख जाएंगी, जैसे कि ये हायाबूसा की मैं आपको दिखाता हूँ, ये LED टेल लैम्प है, इसके अंदर ही इंडिकेटर भी इसके अंदर ही जलेगा। और अभी हमारे पास नया K3 SV हेलमेट्स का पूरा नया लॉट आया है, उसके अंदर काफ़ी अच्छा क्या कहते हैं अपना अच्छा प्राइसिंग पे हम लोग दे रहे हैं, जो मार्केट वैल्यू से काफ़ी लो प्राइस पे है, तो हम लोग 19,500 का वो सेल आउट कर रहे हैं। K3 SV के 6-7 मॉडल आए हैं, तो अभी विवेक भाई आपको हमारा पेज का रेफरेंस बता देंगे, तो आप वहाँ पे आप हमारा ये सारा देख सकते हैं। आपको मोस्टली सारा सामान के बारे में बता दिया जिन भी चीजों में वो डील करते हैं। अभी इनके AGV के हेलमेट्स भी आ रहे हैं, अराउंड 60 हेलमेट्स हैं इनके पास, जो कि मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा कम में दे रहे हैं,
ऑलमोस्ट आपको 15 से 20% शायद उससे ज़्यादा ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब बात आती है प्राइसिंग की कि ये जो एग्जॉस्ट लगे हुए हैं या टैंक पैड्स हैं इनके प्राइस बेसिकली किस रेंज में है, किस रेंज में ये आप लोगों को पड़ेंगे, सर्विस भी ये करते हैं तो सर्विसिंग की कॉस्ट क्या आती है हर बाइक की, तो एक बार इनसे डिटेल ले लेते हैं जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि एक्चुअलिटी में जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। सो अभिषेक आर्य, जो हमारे पास ये जो एग्जॉस्ट होते हैं इनकी बेसिक प्राइसिंग जो होती है वो क्या होती है? स्टार्टिंग रेंज है अराउंड लाइक 6,000 से लेके 20,000 तक जाता है वो, और डिपेंड करता है कि अगर आपने जैसे फुल सिस्टम वगैरह लेने हैं तो उसके अंदर फिर और ऊपर ज़्यादा बढ़ते जाता है वो फिर एग्जॉस्ट। सो गाइस 6,000 से लेके 20,000 है। अब मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमेंट आएंगे मेरे को पता है इस चीज़ के लिए कि यार इतने सस्ते में ओरिजिनल एग्जॉस्ट नहीं मिलेंगे। सो गाइस दिस इज़ अ 7A रेप्लिका, ट्रू की ओरिजिनल कॉपी, जैसे हम शूज लेते हैं हम घड़ियां लेते हैं उसी तरीके से ये वाले होते हैं। बाइक जो है थाईलैंड से स्पेशली मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं वहां से, नियर टू ओरिजिनल है। बाकी भाई जो हैं अभिषेक जो हैं वो ओरिजिनल एग्जॉस्ट में भी डील करते हैं बट वो स्पेशली आते हैं ऑन ऑर्डर। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए आप अभिषेक को बोल सकते हैं, आप उसको बोल दें कि मेरे को वो चीज़ ओरिजिनल चाहिए तो वो आपको स्पेशली ओरिजिनल वो प्रोडक्ट ला के देंगे विद ऑथेंटिसिटी। अब बात आती है अभिषेक ने बताया 6,000 से लेके 20,000 तक, अब 6,000 में हमें क्या चीज़ मिलती है और 20,000 रुपये के अंदर हमें कौन कौन से मॉडल मिलते हैं ये अभिषेक बता देंगे। जैसे कि M4 आप देख रहे हैं, ये M4 आपको 6,000 की रेंज में मिल जाएगा। उसके बाद ये GPR की कॉपी है ये आपको 8,000 तक मिल जाएगा। उसके बाद जैसे एक्रा पॉविक है ये वाला, ये आपको 15,000 तक की रेंज में मिलेगा। जैसे कि आपको ये ऑस्टन रेसिंग है ये टाइटेनियम में है, ये ओरिजिनल है तो ये आपको 45,000 का पड़ेगा। उसके बाद जैसे SC प्रोजेक्ट है ये CRT एडिशन, ये वाला आपको 10,000 की रेंज में पड़ेगा। बाकी इसके अलावा हमारे पास और भी तरीके के एग्जॉस्ट हैं, लाइक हार्ले के लिए हमारे पास टेल गनर टाइप है जो पूरा रिवॉल्व करता है, वो भी बहुत अच्छा कस्टम मेड एग्जॉस्ट है और वो बेस्ट एग्जॉस्ट है रिवॉल्विंग एग्जॉस्ट। सो गाइस टेल गनर एग्जॉस्ट बेसिकली आपने देखा होगा यूजुअली काफी बाइक्स में बुलेट्स के अंदर भी ये चीज लगी होती है, जब एग्जॉस्ट बाइक चल रही होती है तो जो उसके पीछे का जो मोटर टाइप का होता है वो घूमता रहता है। आपको एक मिनट एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो ये बेसिकली आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा क्लोजअप दे लेते हैं गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये ऐसे मूवमेंट आ रही है इसके अंदर, तो जब ये जब चलता है तो ये ऐसे पीछे से मूवमेंट आती है, ऐसे लगता है जैसे गोलियां फेंक रहा है, इट्स लाइक स्टेन गन वाली फील देता है ये पूरी की पूरी। अभिषेक आर्य, काफी ज्यादा लोगों को एक मन में डाउट होता है कि यार हम कॉपी एग्जॉस्ट लगा रहे हैं उससे इंजन के ऊपर फर्क पड़ता है, तो 7A कॉपी और बिल्कुल गंदी क्वालिटी तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस आएगा बिल्कुल, बट हमें एक अच्छा कॉपी और एक ओरिजिनल एग्जॉस्ट के अंदर क्या मेजर फर्क होता है, मतलब क्या डिफरेंस आएगा कि बाइक में हमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है? जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट होता है और जो रेप्लिका एग्जॉस्ट हम लोग लेके आ रहे हैं, एग्जॉस्ट में भी तीन तरीके की क्वालिटी आती है A, B और C। तो हम लोग बिल्कुल बेस्ट A क्वालिटी लेके आ रहे हैं जिससे कि मतलब कोई इफेक्ट ना आए इंजन पे, और हम लोग जो बैंड पाइप वगैरह भी रेडी करते हैं तो वो ओरिजिनल पहले लेके आते हैं, उसी के ऊपर रख के हम पूरा का पूरा डायमेंशन लेके उसके बाद हम लोग बैंड पाइप वगैरह भी रेडी कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो गाइस आप लोगों को अंदाजा हो गया कि अगर आप ओरिजिनल नहीं लगवाते, अगर आपका बजट ओरिजिनल लगाने का नहीं है और आप कॉपी एग्जॉस्ट के अंदर जाते हैं तो उसमें आपको बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर आप 7A रेप्लिका जिसे फर्स्ट कॉपी कहा जाता है अगर आप उसको लगाते हैं। सो अभिषेक हमारे पास ये ऊपर ये है लोग टैंक पैड पे बहुत ज्यादा जाते हैं कि हमें टैंक पैड चाहिए क्योंकि हर बंदे को अपना एक टैंक बचाने का बहुत शौक रहता है, तो टैंक पैड की कॉस्टिंग हमारे पास कितनी की आती है? टैंक पैड हमारे पास 1800 से लेके 2300 तक है। जैसे कि मोटोग्राफिक वाला जो है टैंक पैड वो 2300 तक का है और जो इमोटल ग्राफिक वगैरह है वो 1800 तक का है। सो गाइस मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखा देता हूँ एक्चुअल में क्या चीज़ है। सो आप ये देख सकते हैं दोनों टैंक पैड्स हैं, क्वालिटी आप लोगों को पता चल गई होगी क्योंकि काफ़ी अच्छी पैकिंग के अंदर ये आप लोगों को मिल रहा है, जिसकी कॉस्टिंग अभिषेक ने बताई है 1800 रुपये से लेके ऑलमोस्ट 2300 रुपीज तक। अब कुछ चीज़ें रह गई जैसे कि हम सर्विस पे जाते हैं या हम अगर ग्रिपर्स पे जाते हैं, ये लिवर अभिषेक ने बता दिया ऑलमोस्ट 650 रुपये से शुरू है। नहीं, ये वाले मॉडिफाइड कंपोनेंट के लिवर्स हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के, तो ये 2500 से लेके 3000 तक की रेंज में, 2500 से लेके 3000 तक की रेंज में। स्पूल्स के अभिषेक ने बता दिए, ब्रेक पैड्स के अभिषेक ने बता दिए हैं। अब बॉडी किट की बात आती है, अभिषेक के पास बॉडी किट भी है यहाँ पे, तो बॉडी किट जो हमें यूजुअली पड़ती है, जैसे ये यूजुअली चाइनीज कॉपी होती है, ओरिजिनल तो नहीं है, तो जो हमें कॉपी होती है ये किस रेट पे मिलती है?
एक तो चाइनीज क्वालिटी के अंदर भी ए बी सी जैसे अच्छा, उसके एग्जॉस्ट अंदर भी में, क्वालिटी तो है। इसमें इंजेक्टेड मोल्ड वाली जो सबसे बेस्ट ए क्वालिटी है वो ही लेके आ रहे हैं हम। और डिपेंड करता है मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग है सारी बॉडी किट्स के अराउंड, स्टार्टिंग रेंज है 40,000 से लेके 55,000 तक। 40,000 से लेके 55,000 तक, मतलब यूजुअली जो आपको ओरिजिनल अगर आप कंपनी से लेते हो तो लाख सवा लाख रुपए इतना पे करना पड़ता है आपको फुको भाई की बॉडी के लिए। तो डिट्टो ट्रिपल ए क्वालिटी की आपको बॉडी मिल जाएगी जो आपकी बॉडी के ऊपर जैसे तैसे फिट हो जाएगी, मतलब उसमें आपको कोई फालतू का स्क्रू नहीं कसना पड़ेगा या कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो एक्चुअलिटी में आपकी ओरिजिनल बॉडी होती है उसी तरीके से आपकी ये बॉडी फिट हो जाएगी। लास्ट जो क्वेश्चन अभिषेक मेरा है, जो काफी ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हमें सुपर बाइक सर्विस करानी है और हमें सर्विसिंग कहाँ से करानी चाहिए, क्योंकि कंपनी लोग पुरानी बाइक ले रखी है कंपनी नहीं जाना चाहते, क्योंकि यूजुअली कंपनी में क्या होता है 10,000 15,000 20,000 रुपया बिल बन जाता है, वही चीज अगर हम बाहर से कराते हैं तो हमें ऑब्वियसली बात है चीज सस्ती पड़ती है। तो आप सर्विस करते हो तो सर्विसिंग कॉस्ट जो होती है वो किस बाइक की, मतलब सपोज अगर हम हायाबूसा की लेके चलें तो हायाबूसा की कॉस्टिंग हमें क्या रेट पड़ती है? जैसे कि अगर हम हायाबूसा की लेके चलें तो उसमें 4 लीटर तो इंजन ऑयल डलता है, तो 4 लीटर इंजन ऑयल वो जो अराउंड लाइक मॉड्यूल का हाँ आएगा, अगर मॉड्यूल वो का, मॉड्यूल की वो तो हाँ कॉस्टिंग वो ही जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग वो है। तो कॉस्टिंग है। उसके बाद क्या कहते हैं एक ऑयल फिल्टर हो जाता है 850 के अराउंड, उसके ओके बाद एयर फिल्टर देखना पड़ता है हमारे को कि क्या कहते हैं अपना एयर फिल्टर सही है कि नहीं, अगर तो KNN वगैरह लगाए तो वही साफ होके वो लग जाता है। उसके बाद हमारा सर्विस चार्ज अराउंड 1,000 लगाते हैं हम, और क्या नाम है अपना बाकी 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर के सामने पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से सर्विस करके देते हैं हम। बेसिकली ये है कि लोगों को लेबर चार्ज देने में कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कंपनी वाले यूजुअली इसी का चार्ज करते हैं ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार रुपये लेबर कॉस्ट जो होती है। अभिषेक उसी चीज को सेम तरीके से करेंगे, मॉड्यूल का ही प्रोडक्ट यूज होगा आपका, जो ओरिजिनल अगर एयर फिल्टर की बात आएगी तो एयर फिल्टर भी ओरिजिनल आएगा, तो सिर्फ आपका जो पैसा बच रहा है वो बचेगा सारा का सारा लेबर कॉस्ट में, जो कि आपके सामने होगी। वहां पे तो आप कंपनी में दे के आ जाते हो, आपको पता नहीं होता कि पीछे से एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। आप बैठ भी सकते हो वहां पे बट लोग बैठना नहीं चाहते, बट यहाँ पे क्योंकि वहां पे वेटिंग टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं कई बार अपनी बाइक सुबह देकर आता हूँ और उसके बाद मेरे को वो बाइक शाम को फोन मिलता है, यार आपकी बाइक हो गई है, बट यहाँ पे आपको अभी 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपके सामने ही करके दे देंगे। लेबर कॉस्ट बहुत ही कम ले रहे हैं गाइस, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पूरा फ्रेम खोलना पड़ता है, हर चीज करनी पड़ती है बाइक को सर्विस करने के लिए। तो 1,000 रुपये लेंगे लेबर कॉस्ट, और जो भी प्रोडक्ट का खर्चा आएगा, सपोज मॉड्यूल का इंजन ऑयल डल रहा है या फिल्टर डल रहा है, अगर KNN लगा है तो उसकी जो क्लीनिंग के चार्जेस होंगे वो उसके अंदर इंक्लूडेड है या ऊपर है वो अलग से देना वो पड़ेगा अलग से आपको। देने पड़ेंगे। जैसे KNN अगर आप साफ कर रहे हो तो उसके जो भी चार्जेस होंगे वो हम वो अभिषेक अलग से लेंगे आपसे, कोई बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं होंगे, बहुत लिमिटेड ही होंगे। इनका जो डिस्क्रिप्शन है गाइस वो मैं नीचे डिटेल जो है वो सारी नीचे दे दूंगा। अभिषेक आप एक बार अपना फोन नंबर रिपीट कर देंगे? 9899-228-228 गाइस नीचे यहाँ पे ये जो नंबर आ रहा है ये नंबर है अभिषेक का, रिपीट इन्होंने कर ही दिया है, तो अगर आपको अभिषेक से बात करनी है देन दिस इज द नंबर, एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वीडियो यहीं रैप अप करते हैं गाइस। अब बात आती है सब्सक्रिप्शन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक यूट्यूबर के लिए, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको आपका प्रोडक्ट दे दिया बट मुझे इसके रिटर्न में क्या आप लोग देंगे, वो आप देंगे सब्सक्रिप्शन। सो गाइस नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है आप प्लीज उसको दबा दें, एंड जो बेल आइकन आता है आप उसको भी दबा दें ताकि आपको जो मेरी नोटिफिकेशन है अगली वीडियो की वो आ जाए सबसे पहले। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस जगह के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि ऐसी वीडियोस हर रोज मैं दे रहा हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। सो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। हे गाइस सब्सक्राइब टू सुपरवाइज्ड क्लासिफाइड, प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम सुपरवाइज्ड क्लासिफाइड्स।